आप सबका इस्तकबाल सिटी न्यूज 24x7 पर। शहर हैदराबाद में वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से एक इत्तला मिलने के बाद बंजारा हिल्स में एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान हवाले के तहत लेन देन किए जा रहे 3,75,00,000 का कैश जब्त किया गया। इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद का ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 अफराद को गिरफ्तार किए गए कैश समेत इनकम टैक्स के हवाले कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई IT डिपार्टमेंट के तहत होगी। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंजारा हिल में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके मुताबिक 2 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट के साथ कैश 3,75,30,000 रुपए का कैश सीजर हुआ। इस ऑपरेशन में जो 4 लोग से ये सब चीज़ बरामद हुआ है उनका डिटेल इस प्रकार है। ईश्वर दिलीप जी सोलंकी, जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, हरीश राम भाई पटेल, जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, अजीत सिंह आर धोदिया, ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और राठौड़ कनक सिंह नतुभा, ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आया था, जिसके मुताबिक 2 गाड़ियों में ये 4 लोग स्कोडा शोरूम रोड नंबर 12 बंजारा हिल के पास DCP टास्क फोर्स के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये दोनों गाड़ी का इंटरसेप्शन हुआ और उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बॉम्बे के कंपनी का नाम भी है इसमें, PVJ एंड कंपनी, और कुछ और भी नाम है जैसे कमलेश शाह नेटिव ऑफ हैदराबाद और इस तरह के लोग दिनेश और गिरी। ये पूरी छानबीन, इनकी जानकारी, क्वेश्चनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से अब शुरू होगी। हमारे तरफ से अब ये पूरा कैश अमाउंट, गाड़ी और ये 4 आदमी है, ये क्वेश्चनिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे OSD राधाकिशन राव, इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू, SI रंजीत कुमार, मल्लिकार्जुन और टास्क फोर्स की पूरी टीम शामिल थी और इसके लिए हमारे तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।